हेलो दोस्तों, और आज की वीडियो में आपके साथ व्हाट्सएप की एक न्यू अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ। यस दोस्तों, व्हाट्सएप की एक बीटा अपडेट रिलीज करी गई है जिसमें व्हाट्सएप का थोड़ा इंटरफेस चेंज कर दिया गया है। जब आप सेटिंग में जाते हो तो आपको एक डिफरेंट इंटरफेस मिलता है, तो आज उसी अपडेट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, हम बात करते हैं कि मैं कौन से अपडेट के बारे में बात कर रहा था। दोस्तों, व्हाट्सएप ने अभी एक दो दिन पहले ही एक अपडेट अनाउंस करी है जिसका वर्जन लास्ट में 0.45 है, 12.19.45 समथिंग उन्होंने। और ये दोस्तों, ये जो मैं आपको वर्जन बता रहा हूँ, ये बीटा अपडेट है, इसका मतलब स्टेबल यूजर्स को भी नहीं मिली है। मैं एक बीटा यूजर हूँ तो मेरे को अपडेट मिल गई है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस अपडेट में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल गए हैं। और जो इसका इंटरफेस है दोस्तों, सेटिंग का, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आज मैं इसी अपडेट के बारे में जो चेंजेस हुए हैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, या फिर आपको वीडियो के एंड पे आई बटन करके भी आप अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फोन की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब मैं आपको मेरे WhatsApp का न्यू फीचर दिखाता हूँ जो मेरा वर्जन 2.19.45 पे मैंने अपडेट कर लिया है। दोस्तों, पहले मैं आपको उसका वर्जन दिखा देता हूँ, मेरा वर्जन यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे WhatsApp मैसेंजर बीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं एक बीटा यूजर्स हूँ। और मैं आपको इसका वर्जन दिखा देता हूँ, इसका वर्जन है 2.19.45, जैसे मैंने आपको बताया था। ये एक बीटा अपडेट है तो स्टेबल यूजर्स को अभी ये वर्जन नहीं मिला होगा। तो आइए इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो डायरेक्ट मैं अपने WhatsApp पे जाता हूँ, और दोस्तों व्हाट्सएप पे आपको ये तो आपको बिल्कुल सेम दिखेगा। जब इसकी आप सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे थ्री डॉट पे टैप करके, तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो आपको पहले यहाँ पे नहीं मिलता था। यहाँ पे आपको अकाउंट में आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, टू स्टेप वेरिफिकेशन, चेंज नंबर, रिक्वेस्ट इन्फो, डिलीट माई अकाउंट। यहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, मेक विजिबिलिटी, वॉलपेपर, चैट बैकअप, चैट हिस्ट्री। आपको न्यू इंटरफेस मिल रहा है। और यहाँ पे जो इसका हाइलाइटिंग फीचर है, यहाँ पे आपको डेटा स्टोरेज मिल रहा है। यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को नहीं मिलता था। और आप स्टोरेज यूजर देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से लोग ने, आप कितने आपने डेटा ट्रांसफ़र करा है। और नेटवर्क यूजर्स में आपको ये पूरा कंप्लीट दिखा देगा कि आपकी, जैसे आप मैं देख सकते हैं, मेरा 33.4 GB पूरा यूज़ हुआ है, मैंने 3.2 GB सेंड करा है और मेरे को 30.2 GB रिसीव करा है। कॉल्स, मीडिया, गूगल ड्राइव, मैसेज, स्टेटस, रोमिंग, ये सब आपको पहले देखने को भी मिलता होगा, पर आपको ऐसा इंटरफेस नहीं मिलता था। अब आप बहुत इजीली, ये बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको दिखा दिया गया है, और आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपका कितना डेटा यूज़ हुआ है अपलोडिंग में, और आपने कितना डाउनलोडिंग करा है। इवन यहाँ पे आपको मैसेज बता सकता है आपको कितने मैसेज सेंड करें हैं, कितने मैसेज आपके रिसीव हुए हैं, तो आपको ये सब पता यहाँ से लग जाएगा। और यहाँ पे हेल्प और आप इनवाइट फ्रेंड का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों, यही था इस अपडेट का इंटरफेस। और दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि इसकी नेक्स्ट मेजर अपडेट भी आने वाली है जिसमें आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो वो उसने व्हाट्सएप पे वो भी काम स्टार्ट कर दिया, तो वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी करें और कमेंट भी करें।